गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा कि गर्मियों में गुलाब की देखभाल कैसे की जाए। गुलाब को वैसे तो हर घर में देखा जा सकता है, हर गार्डन में मिलेगा आपको गुलाब देखने को, लेकिन केयर ना पता होने की वजह से गर्मियों में ज़्यादातर लोगों के गुलाब मर जाते हैं या फिर बीमारियों के अटैक में आ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में बीमारियों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं अपने पौधे को, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों मॉइस्चर, सोइल के अंदर मॉइस्चर कितना रहना चाहिए या हमें कितनी वाटरिंग करनी चाहिए। दोस्तों गर्मियों में अगर आपके गमलों में पौधे लगे हुए हैं तो आप दिन में दो बार भी वाटरिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपको ऊपर की सॉइल ड्राई दिखे तुरंत आप वाटरिंग कर दीजिए, या फिर आप मल्चिंग कर सकते हैं आप राइस हस्क से, यानी कि धान की भूसी से। जैसे चावल निकालते हैं तो उस टाइम धान में से जो ऊपर का छिलका निकलता है उससे आप मल्चिंग कर सकते हैं। वो काफ़ी स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र का काम करती है, मतलब कि सॉइल को एसिडिक बनाती है और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है उसका। आपकी पूरी गर्मियाँ निकल जाएंगी लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होंगी। आप पाइन बार्क से कर सकते हैं, पाइन बार्क आपको शायद ना मिले, अगर मिल जाए तो पाइन बार्क सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ये राइस हस्क, उसके बाद आता है सूखे पत्ते, तो पत्तों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग से सोइल के अंदर मॉइस्चर बना रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसको धूप कितनी चाहिए। अगर आपका पौधा ग्राउंड में लगा हुआ है तो इसको फुल धूप चाहिए, इसको आप फुल धूप में रख सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर काफ़ी नीचे तक जड़ें चली जाती हैं और नीचे से वो मॉइस्चर ले लेती हैं। लेकिन गमलों में लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड मिट्टी होने के कारण जल्दी मिट्टी सूखती है, तो उसके अंदर आप मॉइस्चर बना के रखें। गमलों के लिए आप ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन नेट से फिल्टर्ड होकर सनलाइट आती है और आपके पौधों को बर्न नहीं करती, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, जो कि अहम रोल निभाता है पौधे की ग्रोथ में। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र हमें क्या यूज़ करना चाहिए? दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी यूज़ ना करें, जैसे कि DAP, यूरिया या फिर NPK, कोई भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मियों में यूज़ ना करें। गर्मियों में आप यूज़ कर सकते हैं डीकम्पोज्ड काव डंग, वर्मी कम्पोस्ट, इस तरीके से। तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर ज़्यादा ध्यान दें, बाकायदा आप केमिकल फर्टिलाइज़र से परहेज़ रखें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र काफ़ी गर्म होता है और काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट देता है, इसलिए वो पौधे को आपके पौधे के पत्तियों को बर्न कर सकता है, जला सकता है। तो आप बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट है दोस्तों गुड़ाई करना। आप हफ्ते में एक बार पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें, ताकि उसके अंदर से एयर क्रॉस हो जाए, मतलब पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाए। तो ऑक्सीजन देने के लिए ही हम गुड़ाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेड हेडिंग। डेड हेडिंग का मतलब है कि आप अपने गुलाब के पौधे के जो सूखे हुए फूल हैं, जो फेडेड फ्लावर हैं, जो सूख चुके हैं, उनको आप कटर की मदद से, सिकेटियर की मदद से या फिर किसी कैंची की मदद से उसको निकाल दें। उससे निकालने से आपके पौधे की पावर बचेगी और आगे इन फ्यूचर वो जो पावर बची हुई है वो पौधा यूज़ करेगा फ्लावर प्रोड्यूस करने में। तो आपको गर्मियों में भी फूल मिलते रहेंगे अगर आप डेड हेडिंग करते हैं। अब है दोस्तों कि इसके अंदर आपके जो बीमारियों के अटैक होते हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे किसी भी बीमारी का स्टार्टिंग होती है तो उसको हम सिर्फ पानी के स्प्रे से भी हटा सकते हैं। जब आप अपने गुलाब के पौधे में पानी दें तो पौधे को पूरे को अच्छे से नहला दें, स्प्रे करें अपने पौधे पर, ताकि पौधे पर जो फोटोसिंथेसिस है वो अच्छे से हो और जो धूल मिट्टी जम जाती है वो भी साफ़ हो जाए। और पौधे जड़ों से तो पानी लेते हैं, मैं आपको बता दूं पौधे पत्तों से भी पानी लेते हैं। तो जब नहलाएं अपने पौधे को तो वो शाम को नहलाएं, दिन छिपने के बाद मतलब सूर्यास्त के बाद आप अपने पौधे को नहलाएं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहता है और नेक्स्ट डे पौधा नई पावर के साथ आता है। और जब तेज़ धूप भी पड़ती है तो पौधे पर कोई असर नहीं पड़ता उन चीज़ों का, क्योंकि पानी उसके अंदर पहले से ही काफ़ी हद तक मौजूद होता है। तो आप अपने पौधे के अच्छे से नहलाएं, उससे बीमारियों में भी
फ़ायदा रहेगा, मतलब बीमारियां नहीं लगेंगी। और अगर किसी बीमारी का अटैक आपको दिखे तो आप तुरंत 1 ml नीम ऑयल, 5 ml लिक्विड सोप 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। स्प्रे आप सूर्योदय से पहले या अस्त के बाद करें, यानी कि शाम को या सुबह आप अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।